गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? विपक्ष पर आक्रमण होता है, देश का एक्सरे है कास्ट। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करें। आजकल क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। देश में किसकी कितनी भागीदारी? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। सेंट्रल औजार है, उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण, यही मेरा मकसद है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। 2024 में ओबीसी वोटों का एंट्री पास मानकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता जाति जनगणना पर आक्रामक हैं। ऐसे नेताओं के लिए जाति नई सोशल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। यही 2024 का सबसे बड़ा वोट बैंक है। लेकिन विपक्ष के जाति कार्ड के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरीब कार्ड सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि उनके लिए सबसे बड़ी आबादी गरीब की है। गरीब का भला हो उनके लिए जरूरी ये है कि उनके लिए विकास हो, उन्हें अपने सारे हक मिले। सवाल पब्लिक का के इस शो पर आज मैं आपको इसी मुद्दे पर देश की राय दिखाने वाली हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत के साथ ईटीजी रिसर्च के सर्वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मुद्दे का चुनावी असर क्या पड़ने वाला है। सर्वे के सवालों को दिखाने से पहले सर्वे का सैंपल साइज बताना चाहती हूं आपको। सर्वे का सैंपल साइज है 16,699 लोग, यानी के लगभग 16,700 लोगों से सवाल पूछे गए। सर्वे को टेलीफोन पर इंटरव्यू के जरिए कंडक्ट किया गया है और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस के लीडर हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामकृपाल सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं। दीपक पांडे हमारे साथ स्टूडियो में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं सबसे पहले इन सवालों के क्रम में पहले चार सवाल उठाती हूं। पहले सवाल को जो हमने जनता से पूछे, इंडी गठबंधन देश में जाति सर्वे की मांग कर रहा है, जनता की क्या राय है? तो जनता ने कहा हाँ जाति गिननी चाहिए 36%, जाति गिनने से फायदा नहीं होगा 24%, जाति की जगह गरीब गिने ये 19% लोगों ने कहा, कह नहीं सकते 21%। यानी कि अगर आप जोड़कर देखें तो 43% लोग मानते हैं कि कोई फायदा नहीं है, गरीब गिनने चाहिए जाति नहीं, लेकिन 36% सिर्फ मानते हैं कि जाति की मतगणना होनी चाहिए। दूसरे सवाल में हमने जनता से पूछा जाति सर्वे की मांग के पीछे की वजह क्या मानते हैं। शुद्ध राजनीति 29% लोग, लोक कल्याण 19% लोग, हिंदू वोट बैंक तोड़ो प्लान है ये 27% लोग, कह नहीं सकते 25% लोग। तो शुद्ध राजनीति और हिंदू वोट बैंक को तोड़ना, यानी ये भी राजनीतिक एक फॉर्मूला है, इसको अगर जोड़ लें तो 56% लोग मानते हैं कि ये प्योर
राजनीति हो रही है, यहाँ किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति है और वोट बैंक है। तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जाति की राजनीति में किसका भला दिखता है? सिर्फ नेताओं का 28% लोग मानते हैं, आम लोगों का सिर्फ 21%, किसी का भी नहीं 34%। यानी नेताओं का या और किसी का नहीं मिला दें तो लगभग 62% लोग समझते हैं कि नेताओं का फायदा हो तो हो, आम जनता का तो फायदा नहीं है, कह नहीं सकते 17% लोग। चौथा सवाल हमने जनता से पूछा, कांग्रेस शासित राज्यों में जाति सर्वे के हाई कमान से निर्देश पर आपकी राय, चुनाव में जाति की याद आती है लोगों को, 29% लोग कह रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर है, 23% लोग कह रहे हैं। गंभीर दिखने की कोशिश कर रही है 21%, यानी कि चुनाव में जाति की याद आती है और गंभीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों मिला दीजिए तो लगभग 50% लोग तो मानते हैं कि ये चुनावी फॉर्मूला है, और कह नहीं सकते 27% लोग। अब इन सवालों के जो जवाब जनता ने दिए हैं उससे तो ये साफ हो जाता है वरुण पुरोहित जी कि राहुल गांधी का फॉर्मूला कोई बहुत हिट है नहीं लोगों के बीच में, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये चुनावी आपकी रणनीति है, इसमें आम जनता का कोई भला नहीं है, बल्कि ये बस दाव पेच चुनाव को लड़ने के लिए है। इस पर क्या कहेंगे? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं, आपका इकबाल है जिससे और ज्यादा बुलंद हो। भारत में कपोल कल्पित आत्मुग्धता की जो मूर्खतंत्र काल है, इससे मुक्ति मिले, लोकतंत्र की विजय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं प्रभु श्री राम से, पवन सुत हनुमान जी से। आपने जो प्रश्न किया, देखिए समय काल परिस्थिति के अनुसार सोशल और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है एडेप्टेशंस करता है, सोसाइटी डायनेमिक प्रोग्रेसिव है। आज जाति जनगणना की जो मांग है वो समानता के आधार पर इक्वल जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मणों का आप ही देखिए, एक मैं आपसे परमिशन लेके बात बोल रहा हूं, ब्राह्मणों का तो एक नरेटिव क्रिएट है देश के अंदर कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया। भाई मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं, ना किसी ने देखा होगा कि ब्राह्मणों ने दलितों पे या किसी पे अत्याचार किया या किसी की भूमि कब्जा करी या किसी से मारपीट की। लेकिन एक नरेटिव जो 70-80 साल से 100 साल से जब से भी क्रिएट हुआ है, ये भारत के सामाजिक ढांचे को, संरचना को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जहां तक राहुल गांधी के प्रश्न आपने किया, राहुल गांधी जी ने बहुत सामयिक बात की है, और जो मोदी जी हिंदू धर्म और मुसलमान और हिंदू कर करके ये डिवीजन आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है चुनावों में जीत का आधार बना रही है और निजीकरण उसकी आड़ में करती जा रही है, एक पर्सनल निजीकरण करती जा रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ही हो गया। और इतना अगर इनको भय नहीं होता तो ये स्पेशल सेशन जो बुलाया महिला आरक्षण के ऊपर, फिर स्पेशल सब्ज भाग दिखाए जो लागू नहीं कर पाए, और मानसून सेशन में लाए नहीं थे, 9.5 साल से लाए नहीं थे, वो उससे भयाक्रांत होकर के लाए। देखिए मोदी जी का 9.5 साल का, आप मुझसे ज्यादा इतने सीनियर पत्रकार भी हो, आप 9.5 साल से मोदी जी जो लाते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं, एक कदम आगे करते हैं फिर 2 कदम पीछे, किसान बिल लाए फिर रातों रात गायब हो गए, उसको हटा दिया, किसानों के शहीद करा दिया। तो ये जो मैंने इसलिए कहा, एक आपके जैसे बड़े राइटर हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उन्होंने ही लिखा था लोकतंत्र पे मूर्खतंत्र हावी, उसी का मैंने प्रयोग किया उन शब्दों का। तो आज की तारीख में जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद कर्नाटक की जीत हुई, घोसी में यूपी में इनके चुनाव उपचुनाव हारे, ऐसी हालत देश के अंदर हो चुकी है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है किस प्रकार से चुनाव जीते। मुझे लग रहा है मुद्दा तो आपको भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सिवाय मोदी हराओ के आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। कम से कम जाति जनगणना से इससे क्या दुनिया का भला होगा ये आप बता ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, आज मैं पूछना चाहती हूं कि जनता का तो यही मत है कि ये चुनावी फॉर्मूला है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि मोदी हटाओ का अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें ये जाति जनगणना लगाकर देख लेते हैं, शायद यही हिट हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई श्योर शॉट फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा। देखिए आज विजयदशमी का ये पावन पर्व है, मगर ये लोग तो तमाम ऐसे भी लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो रावण के समर्थन में बात करते हैं। और जो आपने कहा, इनकी योजना सिर्फ इतनी नहीं है नाविका जी, याद करिए बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म,
तमिलनाडु में, जो कि इनके INDIA गठबंधन के प्रमुख घटक, या यूं कहें दक्षिण भारत में सबसे बड़े प्रमुख घटक के साथ रही, जिसके ऊपर कांग्रेस एक प्रकार से मौन साधन रही। हो सकता है वो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं क्यों कह रहा हूं, यानी ये इको हो रहा, जरा ठीक करवा दीजिएगा, वक्तव्य नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो हो सकता उस कॉन्फ्रेंस से विचार निकला हो कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना, ये हिंदी में हुआ, तो उसकी एक प्रक्रिया इसके द्वारा शुरू, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा चल रहे हूं। इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी वरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिक्स के नैरेटिव परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, मगर जनाब जमीन आसमान बदल जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पहला सवाल यह है कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी ना, जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो किसने रोकी? नेहरू ने रोकी ना, नेहरू की सरकार ने समाप्त किया। तो पहले एक बार कहो कि नेहरू बेकार, नेहरू गलत, मैं सही, या कम से कम इतना ही कह दो भाई कि नेहरू अप्रासंगिक, हम गलत। फिर उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में हमें तो बचपन का नारा याद है, जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब अगर सुन रहे होंगे, और ये बात 6 दिसंबर 1990 को मंडल कमीशन के बारे में पार्लियामेंट में बोलते समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने कोट की कि कांग्रेस का नारा था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, नेहरू जी जब धर बैठे होंगे स्वर्ग में, तो अपने मूड को धर के हाथ पे सोचते होंगे ये क्या ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। भाई मैं तो साफ पूछना चाह रहा हूं, पहले एक बार आप कह दीजिए राजीव जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत, तब हम विचार, क्योंकि जिसने बंद करवाया वही दोबारा चालू करने की बात कर रहा है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पिछड़ों की जहां तक बात है, तो काका कालेरकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू जी के जमाने में कभी तो लागू नहीं हुई। मंडल कमीशन बना 78 में, 1980 में तब तक इंदिरा जी आ गई, 10 साल वो ठंडे बस्ते में रहा, मंडल कमीशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार ने दिलवाया, आज सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, तो हमारी सरकार में है। हमने उत्तर भारत में जब जब हमें सत्ता मिली सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए, पिछड़े वर्ग का पहला प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा नैसर्गिक रूप से चुनकर सामने आया वो मोदी जी के रूप में हमने दिया। भाई तो हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, आपने किया क्या जरा ये तो बता दो, और कितनी समझदारी है। एक लाइन और बोल दूं, बताइए पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि सेक्रेटरीज में से मैं देखना चाह रहा था कितने ओबीसी हैं। मेरे भाई आज जो सेक्रेटरी है वो 1992 और उससे पहले के बैच के हैं, यानी 92, 91, 90। तब बताओ ना तुम्हारी सरकार थी कितने तुम्हारे आपने ओबीसी बनाए थे। मंडल कमीशन लागू हुआ 95 ऑनवर्ड्स, तो 96 बैच ऑनवर्ड्स जब आएगा तब उसमें संख्या देखी जाएगी। अगर इतनी समझ किसी को ना हो और वो दावा करे कि देश चलाना है, तो या तो वो बचकाना है या वो शातिराना है। बचकाना है या शातिराना है, वरुण पुरोहित जी हाँ या ना में जवाब दीजिए कि राहुल गांधी परम उच्च सोच के हैं या नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। सही कौन है, गलत कौन है? नाविका जी, सबसे पहले सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने राहुल जी को, राजीव जी का, इंदिरा जी का, नेहरू जी का कम से कम नाम लिया, खुद के नेताओं का तो कुछ था नहीं इनके पास, बात वही करनी पड़ती है कुल मिला के, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी या राहुल जी। मैं कह रहा हूं आपने उपलब्धियां गिनाई, हमने इतने मुख्यमंत्री दिए, उप मुख्यमंत्री दिए, हमने कमीशन का दर्जा दिया, तो भाई आप भयाक्रांत क्यों जाती है जनगणना से, मेरे ये समझ में नहीं। करने दीजिए राहुल गांधी को, तो अगर नुकसान अगर होता है कांग्रेस पार्टी का, और आप इतने सवाल का जवाब नहीं देते। आपसे पूछा कि राजीव गांधी सही थे या राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सही थी या राहुल गांधी, इस सवाल का जवाब तो दीजिए। नाविका जी, मैंने शुरुआत में ही मेरे स्टार्ट किया था, जब ही बोल दिया था समय काल परिस्थिति के अनुसार सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आते हैं, एडेप्टेशन होते हैं। राहुल जी भी सही है, राजीव जी भी सही है। समय पहले बलवान था, अब समय ने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जो आपके पूर्वज कह रहे थे वो गलत हो गया। चलिए अगले सवाल देखते हैं, जनता क्या कहती है। जाति सर्वे पर आपकी राय क्या है, जब जनता से पूछा तो उन्होंने कहा सही हो रहा है 39%, वोट की खातिर हो रहा है 32%, कह नहीं सकते ये 29%, यानी कि 29% लोग कह रहे हैं कि भाई ये बात हो किस बात की रही है, यहाँ नौकरी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, जीवन के लिए
सामान चाहिए और ये कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें जहां है वहां की हमने जनता से पूछा, तो कांग्रेस नेतृत्व वाली जगह में सही हो रहा है 39% लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी नेतृत्व वाली सरकारें जहां है वहां बीजेपी भी कराए 23%, लेकिन इंडिया अलायंस का ये ट्रैप है, ये 49% लोग मानते हैं कि ये विपक्ष एक ट्रैप में डालना चाहती है जनता को भी और बीजेपी को भी, कह नहीं सकते 28%। सातवां सवाल जो हमने जनता से पूछा, जाति सर्वे पर आपकी राय क्या है, जाति सर्वे होना चाहिए 26%, गरीब पर सर्वे हो 33%, दोनों करा ले 15%, कह नहीं सकते 26%, यानी कि ज्यादा लोग तो गरीब यानी कि इकोनॉमिक। यहां पर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी स्टेटों में हमने पूछा, वो कह रहे हैं गरीबी यानी इकोनॉमिक स्टेटस पर डिसाइड करिए, और यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जाति सर्वे की मांग को आप बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जवाब मानते हैं, यही बात है हाँ 23% लोग, कुछ हद तक 17% और जोड़ लीजिए इसमें यानी 40% लोग, ऐसा नहीं है 34% लोग, कह नहीं सकते ये 26% लोग। तो आशुतोष जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कहीं ना कहीं जाति जनगणना एक चुनावी मुद्दा बनाना शायद जनता के गले इतना नहीं उतर रहा, क्योंकि जनता समझ रही है कि हमारी लड़ाई तो कुछ और ही है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो महंगाई की दर हो, गरीबी हो, नौकरी हो, ये सब चीजें जनता के लिए ज्यादा जरूरी हैं या जाति जनगणना। नविका जी, मुझे मालूम नहीं कि आपका जो ये सर्वे है, इस सर्वे का जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि इस देश के अंदर करीब 50% के आसपास ओबीसीज हैं। अगर वह कास्ट कॉन्फ़िगरेशन पता होता कि जितने लोगों से सैंपल में किया गया तो शायद बात ज्यादा बेहतर तरीके से होती, लेकिन चूंकि उसकी जानकारी नहीं है इसलिए उस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, महत्वपूर्ण सवाल ये, आज की तारीख में कास्ट सेंसस अपने आप में न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस देश के लोगों को पता होनी चाहिए कि वो जो 10-15% आबादी वाले लोग हैं उनका इस देश की संपदा पर और इस देश की सरकार पर कितने प्रतिशत उनका उनका कब्जा है, और ये बात गंभीरता के साथ सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और सिर्फ किसी एक का वर्चस्व हो यह बात ठीक नहीं है। जैसे ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत यह कहा जाता है कि भाई ज्यादातर ओबीसी आरक्षण तो यादवों का कब्जा हो जाता है, या भी जो SC ST का गठबंधन है, SC ST का जो है आरक्षण, उसके बारे में कहा जाता है जाटाओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो 100% नौकरियां इस देश के अंदर हैं उसमें कितने प्रतिशत जो है वो देश की अपर कास्ट का वर्चस्व है। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस देश के संविधान के मुताबिक हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और उनके साथ इंसाफ करना ये बात बेमानी होती। यह कारण नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर हो या पेरियार हो या नारायण गुरु हो या ज्योतिबा फूले हो, ये सब लोग सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणियां करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी सुधांशु जी को अच्छी तरीके से पता है, क्यों वो टिप्पणियां करते थे, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों टिप्पणी करते थे। और अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की गई कि राहुल गांधी को नहीं पता है, जवाहरलाल नेहरू सही थे, राहुल गांधी सही थे, तो हिमांशु जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि गोलवलकर सही थे, सावरकर सही थे या मोहन भागवत सही थे। भाई मोहन भागवत तो आज ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, तो गोलवलकर क्या कहते थे, वो तो मुसलमानों को इस देश का दुश्मन बताते थे। सावरकर तो कहते थे ये दो अलग अलग राष्ट्र है, दोनों साथ एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो मोहन भागवत सही है या गोलवलकर सही है, मोहन भागवत सही या सावरकर सही है, इस बात का भी जवाब होना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जाति जो ये जो कास्ट सेंसस है ये इस देश के लिए एक सामाजिक न्याय की लड़ाई का महत्वपूर्ण अंग है और भारत के प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का एक लॉजिकल परिणति है अपने आप में। ले सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए पहले तो मैं कहूंगा इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि वरुण जी ने मान लिया कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप किसी काम के नहीं रह गए, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी, और आशुतोष जी ने भी कह दिया वो ठीक है, वो थे मान्यवर आशुतोष जी। मैंने बयान नहीं पूछा, नीतिगत निर्णय पूछा था। 1951 में कास्ट सेंसस भविष्य में भारत में नहीं होगी, दिस वॉज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाई स्टेटमेंट ऑफ एनीबडी।
तो ये मान लीजिए नीतियां गलत थीं, अब नीतियां बेकार हो चुकी हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी बिहार में सर्वे हुआ है, कहा गया 190 जातियां ऐसी हैं जो 1% से कम है। यहां मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, उन्होंने परसेंटेज की बात की, 190 1% से कम नहीं होंगी, क्योंकि अगर 1% हो तो 190% हो गया, इसका मतलब वो 0.1% होंगी। 0.1% वाला कहां जाएगा, संख्या की बात कर रहे हैं ना। अब मैं बताता हूं, ये वो वर्ग कह रहे हैं जिन्होंने पिछड़ों में किसी को क्या दिया। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, हमारे पिछले 20-25 सालों में मुख्यमंत्री जो हुए, सिर्फ हिंदी पट्टी में मैं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, इसके अलावा हमारे 4 उप मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में 3 सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी। ये 8 में से सिर्फ 2 लोग उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी एक जाति, 8 में 7 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। और यदि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को ले लें तो 9 लोग, जिसमें सिर्फ पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम है, 8 अलग जातियों का प्रतिनिधित्व। चुनौती से पूछता हूं इनके, बताइए कुछ दूसरी जाति का प्रतिनिधित्व। अरे जात छोड़िए, अभी अच्छी बात कही आशुतोष जी ने, ये लोग कहते हैं यादव वर्ग ने लिया, यादव वर्ग नहीं साहब, यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला जब लालू प्रसाद यादव को कुर्सी छोड़नी थी। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, खत्म। आइए साहब मुलायम सिंह जी, मैं जी, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, खत्म। आइए करुणानिधि जी, मैं, मेरा बेटा, करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन, फिर उदयनिधि। वास्तविकता में जाति का चूरन देकर परिवार की संपत्ति अपने पास में रखने का वो, और आशुतोष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लेखक हैं, लिखिए कि जो गरीब गुरबा की बात करते थे वही नेता सबसे कम समय में सबसे अमीर बने हैं। इसी आधार के ऊपर लालू यादव जी गरीब गुरबा का परिवार था, आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो वास्तविकता में ईमानदारी से, हमने कहा ना, हमने 9 गिनाए, उसमें 8 अलग जातियां, बताए कोई पिछड़े वर्ग की कितनी जातियों को, कितनी बहुत अहम मुद्दा उठाया, लेकिन सवाल कुछ और भी है सर्वे के। मुख्यमंत्री बनाए, मैं सर्वे के अगले सवाल पर चलती हूँ। आप वोट देते समय जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी जाति का हो? कितने लोग सोचते हैं? 15%। जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, 44% लोग मानते हैं कि जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता। भैया काम से फर्क पड़ता है, विकास का विजन जरूरी 27% लोग कहते हैं। तो 44 में 27 जोड़ लीजिए तो लगभग 71% लोग मानते हैं कि या तो हमें विकास दीजिए, जाति और धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कह नहीं सकते 14%। बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये। जाति जनगणना के काउंटर में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी गरीब की, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं 43% लोग, गलत कह रहे हैं 19% लोग। जाति और गरीब दोनों की गिनती होनी चाहिए 24% लोग, तो जोड़ लीजिए तो 67% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री का फॉर्मूला बेटर है, कह नहीं सकते 14% लोग। अगला सवाल, 50 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के सो कॉल्ड जाति कार्ड पर आपकी राय। मरता क्या ना करता, ये है दुनिया की सोच, जनता की सोच। 15% लोग समझते हैं कि अब कांग्रेस के पास और कोई चारा ही नहीं है। वोट के लिए झांसा 21% लोग, एकजुट हिंदू वोट से खतरा 17% लोग, कह नहीं सकते 47% लोग तो मान रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस कर क्या रही है। 47% लोग बहुत बड़ा नंबर है। और 12वां सवाल, 21वीं शताब्दी में सरकार की नीतियां बनाने का आधार क्या हो? आर्थिक 44% लोग, जाति 19% लोग, धर्म 14% कह नहीं सकते। यानी सबसे ज्यादा लोग तो यही मानते हैं कि आर्थिक स्थिति ज्यादा जरूरी है। तो दिलीप पांडे जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये जाति जनगणना का जो एक शगुफा छोड़ा गया है, ये बस यही है, शगुफा है? क्योंकि जनता की राय में उन्हें विकास चाहिए, उनके देश के लिए मुद्दे और हैं, उनको ये जाति जनगणना, जनप्रतिनिधि में धर्म वर्म कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उनका काम हो रहा है कि नहीं, उनका घर चल रहा है कि नहीं। नाविका जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि उनको धर्म वर्म कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का ये पूरा जो कार्यकाल ही चल रहा है धर्म वर्म वाली आपकी बात पे ही चल रहा है। उनको कोई
विकास की बात नहीं करनी है, कोई अगड़े पिछड़े की बात नहीं करनी है, बस उनको धर्म की बात करनी है। आप कह रही हैं कि जाति जनगणना हम लोग भरम फैला रहे हैं, हम लोग नहीं भरम फैला रहे हैं। भरम क्या होता है, किसी चुनावी मंच पे खड़ा होकर के कह देना कि मैं बैकवर्ड हूं मुझे वोट दो, ये भ्रम फैलाना होता है लोगों के बीच में वोट लेने के लिए। ये नहीं होता है कि हम कास्ट सेंसस करवा रहे हैं इससे हम आपको भ्रमित कर रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि हमको पिछड़े को इतना प्रतिनिधित्व देना है, एससी एसटी को इतना देना है, अब हमारे बात आ गई जनरल को भी प्रतिनिधित्व देने की बात आ गई, वहां भी रिजर्वेशन सिस्टम चालू हो गया है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि हर जाति का प्रतिनिधित्व के उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से उसकी संख्या है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें हम लोग कौन सा भ्रम फैला रहे हैं, आप ही बताइए। ये आपको कौन से एंगल से लग रहा है? आपके पास कोई रोड मैप है विकास का? आप इनके पास कोई रोड मैप है विकास का क्या? इसलिए क्योंकि नहीं है, इसीलिए जाति में उलझाना चाहते हैं सबको। राम कृपाल जी नाम पे बात करते हैं, राम कृपाल जी आपने कितने ही चुनाव देखे होंगे और वो मुख्यमंत्री जातिवाद पे जातिवाद किया जा रहा है। जाति का वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाति का ऐसा तिकड़म उलझ गया हुआ है कि वहां पे हमारे अमित शाह जी उससे नहीं निकल पा रहे हैं, वो लगे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री के जाति के तिकड़म को तोड़ने के लिए। मैं केवल एक सवाल कर जी, देखिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, सुधांशु जी भी हैं। मेरा ये कहना है कि जाति की गणना आप आज कर रहे हैं, किसी ने रोका तो नहीं, नीतीश जी ने चाहा तो उन्होंने करा लिया। सवाल है कि आप लोग नाराज किस बात से हो रहे हैं? जो नाविका जी ने जो अभी तक चीजें बताई हैं, राजनीति इसको 56% लोग मानते हैं, किसी का भला नहीं है 62% लोग, 50% चुनावी राजनीति कह रहे हैं, 71% लोग मान रहे हैं कि विकास और यह आर्थिक जो होना चाहिए वो क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये बताइए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, 47 के बाद जैसे सुधांशु जी ने कहा 51 में ये डिसीजन लिया गया, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को सबसे बड़ी चुनौती मिली है आकर के 74-77 में, और चुनौती किसने दी? यही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और फलाना जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने रोका था आपको? बीजेपी या गोलवरकर साहब तो आए नहीं थे कि आप जनगणना मत कराइए। आज के 73 साल से बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और साउथ में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं रही है, किसने रोका था आपको? तो मेरा ये कहना है कि आज आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और खुद ही आत्मकथा लिख के ये कह रहे हैं कि सुनो जी, सुना रहे हैं भैया कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आज इतने दिन से हो गया, जनगणना का रिकॉर्ड आ गया, मैंने इस देश में कहीं भी इसको कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं बन पा रहा है। आंदोलन तो छोड़ दीजिए, और बताऊं आपको, नहीं नहीं जब नहीं एक मिनट मेरे मुझे पूरी बात कर ली है, बताइए। जब बीपी सिंह ने मंडल किया था तब सारे आप लोगों ने जितने दिव्य ज्ञान आज अचानक सन 1923 में जिनको जाति दिखाई दे रही थी, जब मंडल आया तब जाति नहीं दिखाई दे रही थी, तब तो आपने कहा कि ये पिछड़े मंडल आप पहले बताइए, मंडल लाने वाले वो कौन लोग थे, किसने उसके लिए आंदोलन किया? भैया आप नाम लीजिए, हम तो कह रहे हैं हम लोगों ने किया, तो अब हम ही लोग कह रहे हैं कि जातिगत आधार पे सबको हक मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं आप लोग फिर उसी तरह जैसे हम लोग मंडल रोका था 2023 में? एक मिनट, शैलेंद्र मंडल जी से, मंडल का सवाल है तो शैलेंद्र मंडल जी से पूछ लें। एक मिनट दिलीप पांडे जी, एक मिनट दीपक पांडे आपको करेक्ट कर दूं, उसके बाद मैं करा चाहूं ऐसी मैं तरह दीपक पांडे जी मैं शैलेंद्र मंडल जी से पूछना चाहती हूं। इनके जैसे भाई आज बिहार में जाति जनगणना का जो आया है पूरा सर्वे, अब मुझे बता दीजिए शैलेंद्र जी, आप शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि 2023 में क्यों, अब जाति के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? किसी ने, जैसे रामकृपाल जी कह रहे, किसने आपको रोका? साउथ में बीजेपी कहीं है नहीं, किसी ने रोका नहीं आपको? बीजेपी आई है अगर तो 1999 से लेके 2004 तक, और उसके बाद 2014, आपको 2004 से 14 के बीच में किसी ने रोका हो तो बताइए? स्टेट में किसी ने आपको रोका नहीं। तो ये जाति जनगणना को जब आप मुद्दा बना रहे हैं,
कहीं ना कहीं आप जनता से कट ऑफ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जनता कह रही है, 72% लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होने का, और लोग कह रहे हैं हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें नेताओं का फायदा हो रहा है, राजनीति हो रही है, हमारे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये इनकी दुकान है जो चल रही है। अब क्या इंडी अलायंस ने गलत मुद्दा उठा लिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री का फॉर्मूला जो गरीबी का फॉर्मूला है, इकोनॉमिक का फॉर्मूला है, डेवलपमेंट का फॉर्मूला, उस पर ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जाति जनगणना को कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब गलत नंबर तो नहीं डायल हो गया? बिल्कुल नहीं, आशुतोष जी के बात में हमको बहुत दम लगा कि उन्होंने सही बात सबके सामने में रखी है। आप मान लीजिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मौन क्रांति के प्रतिमूर्ति हैं, देश में डिस्क्रिमिनेशन 5 आधार पर होता है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, ये 5 आधार पर हमारे नेता जो समाजवादी गांधी, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चल करके न्याय के साथ विकास के नीतियों पर चलते हैं, ये सामाजिक बात, ये 5 आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस 5 आधार पर हमारे नेता ने काम किया है। लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो पंचायत चुनाव में बिहार इंडिया में भारत में पहला है जो 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे लाने का काम किया। आज बिहार में 100% आज जो बच्चा पैदा लिया है लड़की है, तो बिहार कितना आगे बढ़ गया, इसका लेखा जोखा आपके सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है कि बिहार कितना बढ़ गया आगे, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगले 3 सवाल ले लूं, बीजेपी में आज के राजनीतिक नेतृत्व के सामाजिक आधार पर आपकी राय, टॉप लीडरशिप में ओबीसी 21% इसे मानते हैं कि बहुत अच्छी बात है, स्वर्ण प्लस मिडिल क्लास की पार्टी है 31% कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की नीति की पार्टी है 21% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 27%, लेकिन बैलेंस है, हर चीज है, ओबीसी है, स्वर्ण मिडिल क्लास की है, सबका साथ सबका विकास की पार्टी है, अगर ये आप जोड़ लें तो लगभग 73% लोग मानते हैं कि हर चीज इसमें शामिल है। 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होती है तब जाति सर्वे मुद्दा कहां होगा? चुनाव बीता बात गई 28% लोग मानते हैं, मुद्दा रहेगा शोर कम होगा 17%, जाति मुद्दा आगे भी होगा 26%, कह नहीं सकते 29%। और आखिरी सवाल, 2024 के 4 बड़े मुद्दे, नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व, विपक्ष और जाति में कौन कितना भारी? नरेंद्र मोदी 24%, हिंदुत्व 21%, एकजुट विपक्ष 27%, जाति 28%। मैं पूछना चाहती हूं आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या विकास और जाति की कहीं ना कहीं दौड़ में विपक्ष ने एक ट्रैप आपके लिए सेट किया था, लेकिन ये मुद्दा इनके लिए नहीं बन पा रहा, क्या इनकी सबसे बड़ी दुख की बात यही साबित हो रही है? उसको बोले देखिए, हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, जनता देखती है कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। जाति एक हकीकत है, यह सत्य है, जाति का सम्मान, जाति का पहचान, सभी वर्गों का उत्थान ये होना चाहिए, इसके लिए प्रयास भी होना चाहिए, मगर इनका उद्देश्य सभी वर्गों का सम्मान स्थान नहीं, वर्गों के बीच में घमासान और अपने परिवार के लिए सारा सामान, ये इनका केवल उद्देश्य है। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, किसी पिछड़ों के नंबरदार ने एक बार बात उठाई कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष हाल ही में 71 जातियों को पिछड़ों में शामिल किया जिसमें 65 मुस्लिम थी, ये किसका हक मार के आए? पिछड़ों का हक ही तो मारा गया। कितने पिछड़े वर्गों के अलंबरदारों ने बात उठाई थी जब एएमयू और जामिया में आरक्षण समाप्त कर दिया गया था पिछड़े और दलित दोनों का, बीजेपी के अलावा किसी ने उठाया था? कश्मीर में आरक्षण नहीं होता था, एससी एसटी को भी नहीं मिलता था, कितनों ने बात उठाई थी? आज भी पश्चिम बंगाल में 170 में 117 मुस्लिम जातियां हैं, 117। और जब पिछड़े वर्ग ने उनसे सवाल पूछा कि 71 में 65 कैसे हो गई, तो जानते क्या जवाब दिया? जवाब यह दिया कि ये मुस्लिम बनने से पहले हिंदू थे, जिन जातियों में थे
उनमें ही जो है वो चले गए, इसलिए पिछड़ा दे दिया गया। तो पूछा गया इतनी भारी संख्या में कन्वर्ट कैसे होगा, चुप। अब पिछड़े वर्ग ने पेशी के आयोग ने पेशी के लिए बुलाया क्योंकि अब संवैधानिक दर्जा है। मैं पूछना चाहता हूं ये कोई अलंबरदार बताए तो कि पिछड़ों के लिए हकीकत में आपने क्या किया, पिछड़ों के संघर्ष के लिए आपने क्या किया। हां एक बात बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से, अभी देखिए इसराइल हमास का युद्ध चल रहा है तो मुसलमानों को तो जोड़े रहो फिलिस्तीनी नहीं हमास तक, और हिंदुओं को बांटे रहो अगड़े पिछड़े और दलित में, हिंदुओं को बांटे रहो उत्तर और दक्षिण में, हिंदुओं को बांटे रहो तमिल और हिंदी में, मगर मुसलमानों को मुत्तहिद रखो और बाद में देते उनको रहो। क्यों, इन्होंने कहा था ना कि हम 4,000-5,000 देंगे 2,000-3,000 कर्नाटक की सरकार ने, और आकर घोषणा क्या की कि अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति यदि कोई व्यावसायिक वाहन खरीदेगा तो 50% कर्नाटक की सरकार देगी, यानी आपको देगी 2,000-3,000, उनको देगी 2,00,000-3,00,000। तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, एएमयू, जामिया कहां थे पिछड़ों के अलंबरदार। बिल्कुल, और इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तो कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक होगा देश की संपत्ति पर, तो उसके बाद तो पूरी रणनीति, पूरी राजनीति सारी देश के सामने है, सारी जनता के सामने है, लेकिन जाति का कार्ड कितना चलेगा कितना नहीं, क्या यही है मुद्दा? जनता ने अपनी राय बताई, आप दर्शकों क्या राय रखते हैं हमें जरूर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि मुद्दा क्या होगा 2024 में, विकास, धर्म या जाति, यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं अपने सारे दर्शकों से और सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।